संगत जी, संत अतर सिंह जी महाराज उन्हां दी इतनी विजन सी, हालांकि आप खुद वो किसी स्कूल विच नहीं गए, उन्हां दी टोटल फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने दुनियावी विद्या अपनी निर्मले संतां तो पिंड तो केवल गुरमुखी सीखी, पर विजन इतनी क्लीयर सी उन्हां दी, वो जानते सी कि आने वाला युग साइंस का युग है, तो जे असी साइंसदानों को काबू नहीं किया, उन्हां विच गुरमत का किनका नहीं पाया, उन्हां नू अध्यात्म नाल नहीं जोड़िया, उन्हां नू परोपकार नाल नहीं जोड़िया, तो ऐसी काडां कढ़नगे कि दुनिया कई बार नष्ट हो जाएगी। ये सोचते हुए आप जी ने 1906 मस्तवाणा विखे एक लड़कियां का स्कूल शुरू किया। विजन देखो महाराज कि 1906 रिमोट मालवे के इलाके विच संगरूर जिले विच मस्तवाणा विखे लड़कियां का स्कूल, फिर लड़कियां का स्कूल, फिर लड़कियां का कॉलेज ये शुरू किया। उस समय जड़े भी संत महापुरुष उत्थे मस्तवाणे जाते सी ते बोलते सी संत जी महाराज नो कि महाराज ठाकर जी आपने ये क्या किया, लड़के लड़कियों की बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बनाई, गुरु का छोटा बनाया। संत जी महाराज ने क्या, इन बिल्डिंगों से निकलेंगे बच्चे जो गुरु घर में जाएंगे। सात संगत जी हुण ओ समा साकार हो रहा है। संत जी महाराज के बचन सी कि हिमालय पर्वत तो एक ऐसा स्थान है जिथों के बच्चे बच्चियाँ दुनियावी ते अध्यात्मक विद्या लै के सारी दुनिया में जाणगे, ते उत्थे कलगियां वाले दा नाम रोशन करेंगे, ते पूरी दुनिया नूं जाच देंगे विश्व सदी भी शांति दी। इस जड़े उन्हां दे बचन होए सी, इन बचना तो साकार करते हुए आप जी दे अनंत सेवक संत तेजा सिंह जी महाराज, आप जी ने 1956 विच अपने सेवक बाबा इकबाल सिंह जी ते डॉक्टर खेम सिंह जी तो बड़ी साहब बड़ू साहब की पवित्र धरती प्रकट की थी। उस समय 1959 संत तेजा सिंह जी ने उत्थे अखंड पाठ रखाया, तो अखंड पाठ के भोग समय बाबा इकबाल सिंह जी दसते हैं कि अज भी अज असी वो दृश्य याद करते हैं साढ़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जी बच्चों वाग रो पे तो कह लगे कि महाराज कद वो समा आएगा जबकि बच्चे बच्चियाँ दुनियावी ते अध्यात्मक विद्या लैके तेरा नाम रोशन करेंगे, ते इस सड़दे बलदे युग में ठंड पहुँचाएंगे। आप जी दे बचना अनुसार जब बाबा इकबाल सिंह जी हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टर की नौकरी छोड़ के रिटायर हुए, तो आप जी ने 6 बच्चों नाल अकाल अकैडमी बड़ू साहब शुरू की थी। ते जो संतां दे बचन सी ओ पूरे करदिया होया इस समय पिछले 30 सालों 129 अकाल अकैडमियां हो गई हैं, जो 6 बच्चों नाल ये प्रोग्राम शुरू किया सी, अज 70,000 बच्चे इन अकैडमिया विच पढ़ रहे हैं, बाणी ते बाणी नाल जुड़े हुए हैं। साध संगत जी पूरी दुनिया विच होर कोई इसकी मिसाल नहीं है जिथे कि 70,000 बच्चा इकट्ठा 5 प्रांतों विच पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश ते राजस्थान 5 प्रांतों विच इकट्ठे 8 to 9 सवेरे पहले नितनेम करते हैं, अरदास करते हैं, उपरंत फिर अपनी दुनियावी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। साध संगत जी इस समय जड़ी सब तो सिरमौर कौम दुनिया विच है, जिसने के USA विच भी पूरा अपना पावर और इन्फ्लुएंस किया होया है, और यहूदियों की कौम है। जे असी देखिए तो जिस समय सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद 60 लाख यहूदी सैकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सी, उन्होंने एक निर्णय ले लिया सी, एक नारा सी उन्हों का कि असी बच्चे संभालने हैं। उन्होंने समझ आ गई सी कि माइनॉरिटी जिहड़ी कम्यूनिटी है वो एक्सीलेंस तो बिना क्वालिटी तो बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, तो आप इन्होंने एक ये टीचा कर लिया कि बच्चे पैदा करना माता पिता का फर्ज है, बच्चों को पढ़ाना पूरे यहूदी मजहब कौम का फर्ज है, कम्यूनिटी विल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने ये सोचते हुए एक ज्यूज एजुकेशन फंड जेफ ये स्थापित किया। वो जो जेफ स्थापित होया सीगा 1950, अज असी देख रहे हाँ कि दुनिया की टॉप 100 कंपनीज़ में 30% उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहूदी हैं, 9 चो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज इस समय USA के यहूदी हैं,
25% बच्चे आईवी लीग्स में यहूदी बच्चे पढ़ रहे हैं। जे सात संगत जी असी कौम नू उसी तरह उच्चा लेके जाना है, पावर और इन्फ्लुएंस लेके आनी है, तो सात संगत जी असी भी कमर कसा कर लईए। सानू भी ये सीखन की लोड़ है यहूदी कौम तो कि असी भी अपने बच्चे बच्चों संभालिए, उन्होंने उच्ची कोट की विद्या दी जाए ताकि जिन्हें भी इंपोर्टेंट पोजिशन हैं वर्ल्ड दियाँ हौले हौले उन्होंने यहूदिया वाग ज्यूज वाग उन्होंने वो होल्ड कर सकन। साध संगत जी इस समय जो 129 स्कूल इस्टैबलिश हो गए हैं, ये इस्टैबलिश करने वास्ते कलगीधर ट्रस्ट नो असी साडा बेसिक मॉडल सी कि असी हौले हौले सैकेंड क्लास तक स्कूल खोलते सी, उस तो बाद हर साल एक असी क्लास एड करते चले जाते हैं स्कूल विच। ओवर 8 ईयर्स एक स्कूल इस्टैबलिश हो जाता है, साड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी जी होती है। इस पेज से असी चल रहे सी ते 1986 तो लैके 2007 तक साढ़े 17 स्कूल हो गए। बाबा इकबाल सिंह जी नूं ये चीज़ डिस्टर्ब करन लग पई कि असी बहुत छोटी स्लो पेस से असी प्रोसीड कर रहे हैं ते बहुत ही तेज़ी नाल साढ़े बच्चे नशे हो रहे हैं, बच्चे अपने अपने मार्ग तो थिरक रहे हैं, गुरसिखी तो दूर जा रहे हैं। तो इन्हां बचाने का एको ही तरीका है कि असी होर स्कूल खोलीए, पूरी प्रांत में असी स्कूल खोल दीए ताकि बच्चों को यह मौका मिल जाए कि वह बाणी ते बाड़े नाल जुड़ सकन ते उच्च कोटि की विद्या ले सकन। सो उस समय महाराज ने यह टीचा किया कि असी बैंकों तो लोन लैके असी स्कूल खोलने हैं, बच्चों को बचाना है। तो उन 2007 तो लैके 2013 तक असी 100 स्कूल होर खोल ले। ए स्कूल इन स्कूलों में हूँ 70,000 बच्चा पढ़ रहा है। इन 70,000 बच्चों चो 28,000 बच्चा असिस्टिड एजुकेशन ले रहा है, असी उन्होंने एज पर दियर नीड्स उन्होंने असी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 4,000 बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, पंजाब में जितने भी ग्रंथी और प्रचारकों के बच्चे हैं सारे को फ्री विद्या दी जा रही है, होर गरीब बच्चों को फ्री विद्या दी जा रही है। जड़े साढ़े वीर मायकी हालत के कारण जिन्होंने उत्थे खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया फार्मर्स ने, उन्होंने बच्चे भी असी फ्री पढ़ा रहे हैं। साध संगत जी ये हुण असी देखना है कि ये जो पंथ का कारज हो रहा है इस वजह से किस तरह असी शमूलियत करनी है, किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये कारज पूरा करने वास्ते नाल ही गुरु काशी की यूनिवर्सिटी स्थापित करने वास्ते संस्था ने 110 करोड़ रुपया लोन लिया सी। ये पंथ का कारज सी, ट्रस्ट का निजी कारज नहीं सी, एक खिच सी महापुरुषों की कि असी बच्चे बचाने हैं, उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो हुण तक तकरीबन असी 50 करोड़ रुपया उतार चुके हाँ। 50 करोड़ रुपया अजे भी साध संगत जी साढ़े ते कर्जा खड़ा है, जिसनों सर्विस करने वास्ते 9.5% से असी लोन पे इंट्रस्ट पे कर रहे हाँ। हर साल सानू तकरीबन $1 मिलियन केवल इंट्रस्ट रीपे करना पैंदा बैंकों में। इतना इंट्रस्ट पे करन नाल साडी डेवलपमेंट की जो स्पीड सी वह बहुत स्लो हो गई है। साडा टीचा है कि असी 500 स्कूल इस्टैबलिश करने हैं ताकि पंजाब के हर कोने में एक अकाल अकैडमी बन जाए जिथे कि बच्चों को अध्यात्म ते दुनियावी विद्या उच्च कोटि की मिल सके। साध संगत जी एक दास होर आप जी नाल शेयर करना चाहेगा कि इन स्कूलों में इस क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है। साढ़े इस समय तकरीबन 50 स्कूल 10वीं क्लास तक पहुँच चुके हैं, ये पंजाब के 15 जिले में हैं। साध संगत जी इन स्कूलों के बच्चों ने जब पिछले मार्च में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो एनुअल एग्जामीनेशन दिता तो दास नूं ये आप जी शेयर करके बड़ी खुशी हो रही है कि 15 जिलों साढ़े स्कूल सी 10वीं क्लास तक के, इन्हां चों 12 जिलों में साढ़े पेंडू बच्चे ने जिसके कि पेरेंट्स नो अंगूठा छाप से उन्हों को इतनी भी एजुकेशन नहीं सी कि साइन कर सकन, उन्होंने बच्चों ने फर्स्ट सैकेंड या थर्ड पोजिशन हासिल कीतिया हैं। उच्च कोटि की विद्या का यह प्रतीक है। साध संगत जी साडा यह सुपना है कि आने वाले समय में ये बच्चे जितनिया भी पंजाब दियाँ मैनेजेरियल पोजिशन भावें सरकारी पोजिशन हैं भावें प्राइवेट कंपनीज की पोजिशन हैं, सारिया पोजिशन ये बच्चे जड़े कि अध्यात्म नाल जुड़े हैं, कलगियां वाले दे रस्ते ते चल रहे हैं, ये जिन्हां दे मन विच करुणा है, संतोख है, कॉम्पैशन है, परोपकार की खिच है,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਗਲੋਰੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਗੇਨ ਦੈਟ ਲੋਸਟ ਗਲੋਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀਗੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਉਹ ਰੀਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਦਾਸ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ $7 million ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ USA ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ $7 million ਦਾ ਜੇ ਕੇਵਲ 7,000 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ $1,000 ਡੋਲਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ $1 million ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਛੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ